नमस्कार, आप देख रहे हैं संसदीय स्थायी समिति पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार। मैं हूं अमृतांशु राय। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं मंत्रालयों से जुड़े संसदीय स्थायी समिति पर विस्तृत रिपोर्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं कृषि संबंधित स्थायी समिति की बीटी फसलों पर रिपोर्ट। कृषि संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने बीटी फसलों को अनुमति दिए जाने की कड़ी आलोचना की है। संसदीय स्थायी समिति ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएम खाद्य पदार्थों पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। बीटी बैगन और बीटी कॉटन जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बीज मनुष्य की सेहत के लिए घातक हो सकते हैं, ऐसा कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का मानना है। समिति ने हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर जीएम फसलों के प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएम फसलों के बीजों की वजह से शरीर के सभी प्रमुख अंगों को सुरक्षित रखने वाले फैट के स्तर में भी कमी आ सकती है। समिति की रिपोर्ट से जाहिर है कि बीटी कॉटन से होने वाले साइड इफेक्ट पूरे खाद्य चक्र में शामिल हो गए हैं। बीटी कॉटन की खली किसी दुधारू पशु को खिलाई जाती है तो ऐसे पशु का दूध पीने वाले इंसान पर भी असर पड़ सकता है। हम लोगों ने महसूस किया, कमेटी के सदस्यों ने महसूस किया है कि इस पर अभी और व्यापक परीक्षण की ज़रूरत है। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि जीएम क्रॉप आने से ह्यूमन बॉडी पर उसका नुकसान होगा जो अभी नहीं दिखेगा, 15 वर्ष के बाद 20 वर्षों के बाद दिखेगा। इस सवाल का कोई जवाब जो पक्ष में बोलने वाले जीएम क्रॉप के पक्ष में बोलने वाले लोग थे उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। जहाँ तक बीटी फसलों की बात है, कमेटी के सामने विशेषज्ञ आए और विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, बात हुई, डिस्कशन हुआ, उसमें ये निष्कर्ष पर कमेटी पहुंची कि जो बीटी फसलें हैं उसके लिए अलग से कोई विशेषज्ञों की एक समिति बने और वो समिति जो परीक्षण हो उनको देखे और उसके बाद ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, ये कमेटी इस निर्णय पर पहुंची। समिति के मुताबिक बीटी कॉटन के व्यावसायिक इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद लाखों टन तेल खाद्य चक्र का हिस्सा बन चुके हैं। समिति का कहना है कि बीटी फसलों के व्यावसायिक उत्पादन को बिना ठोस रिसर्च और परीक्षणों के किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। परीक्षणों से पता चला है कि बीटी फसलों को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई। समिति ने देश में जीएम फसलों को लेकर पुख्ता निगरानी तंत्र के अभाव पर भी गहरी चिंता जताई है। इसके अलावा अनुवांशिक प्रौद्योगिकी की वजह से पौधों की अनुवांशिक बनावट में बदलाव आता है। समिति ने तमाम विशेषज्ञों से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता पर कुप्रभाव, जेनेटिक प्रदूषण फैलने की आशंका पर चिंता जाहिर की गई है। हम लोगों ने फील्ड विजिट भी किया जहां जीएम क्रॉप बीटी कॉटन की खेती लोग करते हैं पहले से, उनका खुद का क्या अनुभव है इसको भी हम लोगों ने देखा है और उसके आधार पर कमिटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभी तक जो भी राय मिली हम लोगों को बिल्कुल अस्पष्ट राय है। उसमें साइंटिस्ट कम्युनिटी भी दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जीएम क्रॉप से लाभ हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि जीएम क्रॉप से लाभ होने की बजाय नुकसान ही नुकसान है। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी भी अभी दो भागों में बटा हुआ स्पष्ट रूप से हम लोगों ने देखा है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महसूस किया, कमेटी के सदस्यों ने महसूस किया है कि इस पर अभी और व्यापक परीक्षण की ज़रूरत है। हमारे भारतीय जो बीज हैं हमारे, उन पर भी काम किया जाए, उनको भी उन्नत किया जाए और अगर उन पर भी काम किया जाएगा बेटर रिजल्ट्स आएंगे और विशेषज्ञों की समिति के बाद ही इनकी अनुमति जाए, ये राय कमेटी में। पहली बार 1996 में जीएम बीज भारत लाए गए थे, उससे पहले करीब 25 देशों में उनका इस्तेमाल किया जा चुका था। अब देश में 10 दूसरी जीएम फसलों के उत्पादन की तैयारी हो चुकी है। कुल 56 जीएम फसलों के उत्पादन की तैयारी है, जिसमें से 41 खाद्यान्न से जुड़ी है। गेहूं, बासमती चावल, सेब, केला, पपीता, प्याज, तरबूज, मिर्च, कॉफी और सोयाबीन पर अभी प्रयोगशाला में रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा कई गैर खाद्यान्न फसलों पर भी रिसर्च जारी है। अक्टूबर 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने बीटी बैंगन को मंजूरी दी थी, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से बातचीत में सुरक्षा की चिंता जाहिर की गई है। बैंगन में बैक्टीरियम बेसिलस थुरिन जीनेसिस का जीन डाला जाता है।
यह जीन एक तरह का प्रोटीन पैदा करता है। इस प्रोटीन को क्राई वन एसी नाम दिया गया है। यह प्रोटीन फलों और कोपलों में छेद करने वाले कीड़ों को मार डालता है। इस तरह फसलों पर कीटनाशकों की निर्भरता कम हो जाती है। समिति ने कहा है कि बीटी जीन पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी कि कच्चा बैंगन खाने पर भी क्या बीटी जीन नष्ट होंगे। स्थायी समिति ने पर्यावरण के तमाम जानकारों से बातचीत और छानबीन के बाद पाया कि इसकी मंजूरी के लिए आधी अधूरी प्रक्रिया ही अपनाई गई। बीटी कॉटन और बीटी बैंगन के असर की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाना जरूरी है। रेगुलेटरी बॉडी मजबूत, जिस जो अधिकार संपन्न हो, ताकतवर हो, उस तरह का बॉडी बनाया जाना चाहिए ताकि कभी अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसानों के हित के विरुद्ध कोई काम करता है और किसान शिकायत करते हैं, किसानों की शिकायत सही पाई जाती है, तो उस परिस्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। उसके लिए अलग से कोई विशेषज्ञों की एक समिति बने और वो समिति जो परीक्षण हो उनको देखे और उसके बाद ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, ये कमेटी इस निर्णय पर पहुंचे। समिति ने बीटी फसलों से कीटनाशकों के खत्म होने के मामले पर विशेषज्ञों से सुझाए तरीकों पर ध्यान देने पर जोर दिया है। कीड़ों के बचाव के लिए वनस्पति से कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। बैंगन की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दूसरे तरीके के फसल प्रबंधन को आजमाया जा सकता है। बीटी फसलों को देश में इजाजत मिलने के साथ ही इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। संसदीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि जानकारों की राय इस मसले पर अलग अलग है। कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में। जाहिर है संसदीय समिति चाहती है कि जब तक तमाम आशंकाओं को खत्म नहीं किया जाता तब तक बीटी फसलों को मैदानी परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रणव गोस्वामी, राजसभा टीवी, दिल्ली। समिति के इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं मेरे सहयोगी प्रणव से। प्रणव, क्या ये रिपोर्ट आम सहमति से पेश किया गया था या फिर इस रिपोर्ट पर मतभेद भी थे? देखिए, बीटी फसलों को जब देश में अनुमति मिली थी उसके बाद से ही एक बहस की शुरुआत हो गई थी। ये बहस ये थी कि कृषि क्षेत्र की भविष्य की तस्वीर देश में किस तरह की होगी। बीटी बैंगन के आते आते ये पूरी बहस इस संघर्ष के रूप में बदलती गई। समिति के जितने भी सदस्य थे उनमें मतभेद की बात तो नहीं कही जा सकती, मगर हाँ, अलग अलग राय ज़रूर थी सभी सदस्यों में। और लगभग अंत में आते आते तमाम विश्लेषणों के बाद जितने भी विशेषज्ञों से बात हुई समिति की, समिति ने मैदान में जाकर किसानों से सीधे बातचीत की, उसके आधार पर एक आम राय अंत में आते आते बन गई। और वो राय ये थी कि कम से कम जितने भी सवाल हैं, शंकाएं हैं, उनको जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक कम से कम मैदानी परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बीटी फसलों को लेकर सीधे ही सदस्यों में कोई नकारात्मक बात रही हो, लेकिन इतना ज़रूर था कि इसके लिए व्यापक गहन रिसर्च शोध के बाद ही इसको इजाज़त दिए जाने की बात पर लगभग सभी समिति के सदस्य सहमत थे। आइए अब आपको दिखाते हैं एक विशेष बातचीत संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष वासुदेव आचार्य के साथ। बीटी फसलों पर कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुद समिति के अध्यक्ष वासुदेव आचार्य साहब। आचार्य साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बीटी फसलों को देश में अनुमति दिए जाने को लेकर समिति को किस तरह की आपत्तियां हैं? हमारा जो रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारा वीकनेसेस है, ये हमने देखा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग को पता चला। तो हमने ये किया कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर जीएम का कल्टीवेशन शुरू हुआ है उनका जो सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम, सब हमने मंगाया वहाँ से। तमाम जो हमारे देश में एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, जो एनजीओस है जो इसको लेकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, हमने विज्ञापन देकर सबका, जो जीएम के फेवर में है और जो जीएम के अगेंस्ट में है, सबसे हमने मांगा उनका व्यूज़। हमारे पास कम से कम 1000 ऐसा मेमोरेंडम हमने रिसीव किया और 18,000 हमने डॉक्यूमेंट भी हमने एग्जामिन किया और हमने बुलाया भी था करीब करीब 60-70 विटनेस को। हमारा सीटिंग हुआ इसके ऊपर कम से कम 23 सीटिंग हुआ, 23 मीटिंग हमने किया। हमने 5-6 राज्य को दौरा किया, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ, उनके ऑफिशियल के साथ भी हम लोग चर्चा किया,
उनका व्यूज लिया, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, ये तमाम राज्य, और इधर झारखंड, आपका बिहार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र खास करके नागपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश, इन तमाम आप कम से कम 10-12 राज्य उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने बातचीत किया, उनका व्यूज़ लिया। तो उसमें हमको ये पता चला कि ये जो ब्रिटी ब्रिंजल का जो दिया गया, उसमें जिस तरह से रेगुलेटरी सिस्टम को जो प्रोसीड्योर अपनाना चाहिए था वो नहीं किया, इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, हमने देखा। और हमने ये एक सवाल किया कि अच्छा क्यों बीटी ब्रिंजल को क्यों चुना, क्योंकि इन लोग जो जीएम के फेवर में है, जो चाहते हैं हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हो, खाली एक दो में सीमित नहीं रहे, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने इजाज़त नहीं दिया फूड क्रॉप में। यद्यपि बीटी कॉटन भी, क्योंकि कॉटन सीड उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो भी फूड खाद्य ऐसा उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन उसको सीधा फूड क्रॉप माना नहीं जाता है। पहला ये फूड क्रॉप बीटी ब्रिंजल। तो हमने, हमारे मन में ये आया कि बीटी ब्रिंजल को क्यों लिया, ब्रिंजल को क्यों ये किया, क्योंकि ब्रिंजल के साथ हमारा फूड सिक्योरिटी का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि उनको कहना है कि 2050 साल में हमारा जो जनसंख्या बढ़ेगा और हमारा जो डिमांड होगा फूड का, खाद्य का, तो हम पूरा नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा है। 2.5-3% हमारा ग्रोथ है हमारे देश में, यद्यपि एकादश पंचवार्षिक परियोजना में हमने 4% रखा था, हम 4% के आसपास पहुँच नहीं सके। इस बार भी हमने 4% 12वीं पंचवार्षिक परियोजना में हमने रखा है। तो उन लोगों का कहना है, उन लोगों का आर्गुमेंट है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन हम बढ़ा नहीं सकेंगे, हमारा मांग को हम पूरा नहीं कर सकेंगे अगर हम जीएम हमारे देश में हम इसका इजाज़त न दें, कमर्शियल कल्टीवेशन का न। बीटी फसलों के मामले में समिति ने स्वास्थ्य को लेकर किस तरह के खतरे देखे? दो रिपोर्ट है, एक है प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है, दूसरा है नागपुर का ही कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है। दो रिपोर्ट संपूर्ण एकदम अलग है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि इसका असर कुछ नहीं, हमने देखा है और बकरी के ऊपर इसको इस्तेमाल करके उन्होंने कंज्यूम किया है, उसका कोई असर नहीं पड़ा है। नागपुर का जो रिपोर्ट है कि उनके ऊपर असर पड़ा है एक कॉटन शीट का, ये रिपोर्ट है सरकारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए हेल्थ के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे जो गंभीर जो विषय है कि हम जानते नहीं हैं हम जो यह कंज्यूम कर रहे हैं ये जीएम है या नहीं, क्योंकि अभी बाहर से आपका फ्रूट आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, कनाडा से हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा ये जीएम का उत्पादन हो रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर कंपलसरी लेबलिंग नहीं है। ये जो कंज्यूमर्स राइट, उपभोक्ता का जो अधिकार है, कंज्यूमर को जो राइट है कि हम जीएम हम कंज्यूम नहीं करेंगे, ये राइट के ऊपर ये आक्रमण हो रहा है। बीटी फसलों को अनुमति दिए जाने से छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो किसान हैं उनके सामने कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं और उनके हितों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? 6-7 साल के अंदर ये हम लोगों का ये मालूम हुआ कि शुरू में जो किसानों को जो बेनिफिट मिला था, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट में थोड़ा कम हुआ था और उसके कारण से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब समय जाता रहा तो धीरे धीरे ये जो प्रॉफिट मार्जिन घटता गया और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया। नया पेस्ट का भी आ गया यहाँ पर, उसको ये करने के लिए नया पेस्टिसाइड
किसान को इस्तेमाल करना पड़ा और जो कॉस्टली पड़ा, और फर्टिलाइज़र का भी कंजम्पशन बढ़ा, और इसी कारण से फर्टिलाइज़र का भी भाव बढ़ा, दो तीन साल के अंदर में बहुत बड़ा है फर्टिलाइज़र का भाव, और इसी कारण से किसान, खास करके जो गरीब किसान है हमारे देश में, तो 80% गरीब किसान है, सीमांती किसान है, तो उनके जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अजय साहब, समिति ने सरकार को बीटी फसलों के मामले में कौन कौन से सुझाव दिए हैं? ये भारत सरकार का जो नीति है, इस नीति के कारण से ये हो रहा है। और हमने जो सुझाव दिया है कि अभी जब तक ये ऑल इनकम्पेसिंग आपका रेगुलेटरी बॉडी सबको लेकर, देखिए आयुष ने आया था आयुर्वेदिक, उन्होंने बोला हमसे तो कंसल्ट नहीं किया, बैगन हमारा एक दवा बनाने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये लगता है, लेकिन हमसे कंसल्ट नहीं किया। तो तमाम ये जो जुड़ा हुआ है, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, आपका हेल्थ एंड हाइजीन है, ये तमाम इसको लेकर ही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाना चाहिए। और दूसरा हमारा सुझाव है, जब तक ये नहीं बनेगा, फील्ड ट्रायल बंद करना है, जो भी ट्रायल होगा वो विद इन द लेबोरेटरी होगा। अजय साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, लौटने पर आपको दिखाएंगे समिति ने किसानों के मसलों पर क्या कहा। आप देख रहे हैं संसदीय स्थायी समिति पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार। कृषि संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने बीटी फसलों को अनुमति देने से पहले छोटे और मध्यम किसानों के हितों को समझने की जरूरत पर जोर दिया है। किसानों को आमतौर पर पिछली फसलों में से ही कुछ हिस्से बीज के लिए रखना पड़ता है ताकि अगली फसल की बुआई कर सके, लेकिन जीएम फसलों के लिए विशेष बीज की जरूरत होती है जो महंगे और आम किसान की पहुंच से दूर होते हैं। इनके दोबारा इस्तेमाल पर रॉयल्टी देनी होती है, जिसकी वजह से किसान अपनी पिछली फसल को दोबारा बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तर्क ये दिया जाता है कि बेहतर फसल और कीटनाशकों के कम इस्तेमाल के कारण किसान ज्यादा पूंजी बचा लेते हैं, इसलिए उन्हें अगली फसल के लिए बीजों का भुगतान करना चाहिए। समिति ने कहा है कि जीएम फसलों पर निर्भरता बढ़ाने से पहले सरकार को भारत के संदर्भ में छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के हित की समीक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से मल्टीनेशनल्स हावी हो रहे हैं, और यदि जीएम क्रॉप की अनुमति दे दी गई, तो इस पर किसान जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल खेती करते हैं उनके अधिकारों पर सीधे हस्तक्षेप हो जाएगा, और इसका रिवर्स प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। मान लिया कि 20 वर्षों के बाद कोई ऐसी स्थिति आई कि पुनर्विचार करना पड़े कि हम अपने ट्रेडिशनल क्रॉप की ओर फिर लौट जाएं, तो इतनी निर्भरता हमारी तब तक हो चुकी होगी मल्टीनेशनल्स कंपनी पर, कॉरपोरेट पर, कि हम उसको फिर से लौटाना चाहें, पुरानी दशा में हम लौटना चाहें, तो वह भी संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे देशों ने, खास तौर से ब्राज़ील का उसमें उदाहरण दिया गया कि वहाँ जो उनकी अपनी बीज थे उन पर उन्होंने रिसर्च किया, काम किया, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बीटी से भी बेटर हैं। तो इसलिए ये भी हुआ कि जो हमारे भारतीय जो बीज हैं हमारे, उन पे भी काम किया जाए, उनको भी उन्नत किया जाए, और अगर उन पे भी काम किया जाएगा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। स्थायी समिति ने बीटी फसलों के बारे में कई आशंकाएं जाहिर किए हैं। समिति का कहना है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि अगर जीएम फसलों से जेनेटिक प्रदूषण फैलता है तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। दुनिया भर के बाजार में अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षित खाद्यों की वजह से भारतीय फसलों की बेहतर कीमत मिलती है। जेनेटिक प्रदूषण फैलने की वजह से इनके छिनने का अंदेशा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग जेनेटिक प्रदूषण से मुक्त खाद्यों के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं। ऐसे में जेनेटिक प्रदूषण के कारण किसानों से यह बाजार भी छिन सकता है और खेती को नुकसान हो सकता है। एंजल, हमारे देश में 300 से भी अधिक प्रजातियां पहले से, जो हमारा ट्रेडिशनल है, 300 से भी ज़्यादा, आज कोई आवश्यकता नहीं है। हम आवश्यकता की बात करें कि ब्रिंजल को भी हम उसमें बीटी ले आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद इस पर इसलिए इसको पाइपलाइन में रखा गया और एक तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा था, बैगन उपजाने वाले हर गांव में लोग मिल जाएंगे हिंदुस्तान के, तो सभी किसानों पर इनका अधिकार हो जाए, इस ख्याल से इस तरह की जल्दीबाजी की जा रही थी।
और जल्दीबाजी की गई है, पहले भी की गई है, इससे हम सहमत हैं। एरिया है वो पूरा बीटी कॉटन का हो गया, तो जो भारतीय जो हमारे अपने बीज हैं, जो लोकल हमारे पास अपने बीज हैं, वो वहाँ उसका नुकसान उनको होने लगा, तो वो एरिया जो है उसको उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हम भारतीय बीजों पर आना चाहते हैं, और लाभ भी किसानों ने ये कहा कि हमें जो भारतीय बीज हैं उन पर मिला। बीटी टेक्नोलॉजी अमेरिकी कंपनी मोनासांटो ने विकसित की है। भारत में महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी यानी माहिको को इसके इस्तेमाल का लाइसेंस मिला हुआ है। माहिको में मोनासांटो की 26% हिस्सेदारी है। स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को जीएम फसल के लिए कड़े नियामक लागू करने चाहिए, ताकि जीएम फसलों के संदर्भ में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की लॉबिंग से बचा जा सके। बीटी फसलें देश के किसानों के लिए फायदेमंद है या नहीं, इस बारे में तमाम परीक्षणों के अलग अलग नतीजे निकले हैं। संसदीय समिति ने किसानों के हितों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। जाहिर है देश के ज़्यादातर किसानों के लिए खेती का आधार व्यावसायिक नहीं बल्कि उनकी जीविका है। प्रणव गोस्वामी, राजसभा टीवी, दिल्ली। आइए एक बार फिर बात करते हैं मेरे सहयोगी प्रणव से। प्रणव, किसानों के हितों की समीक्षा समिति ने किस आधार पर की है? देखिए, किसानों की जहाँ तक बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनकी जो खेती जो है वो उनके लिए किसी व्यवसायिक जो मकसद है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ज़्यादातर किसानों के लिए खेती उनकी ज़रूरतों को, उनकी आजीविका को पूरा करने का एक जरिया है। तो समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने इसी बात का खास ख्याल रखा। उन्होंने तमाम दुनिया के दूसरे मुल्क हैं उनके उदाहरण को परखा, जांचा और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम से कम भारत की परिस्थितियों के लिए जो किसान हैं उनकी अगर बीटी फसलों को लेकर अगर कोई नई शुरुआत होती है तो उसके लिए भारतीय किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझा जाना बेहद ज़रूरी है। और इसी आधार पर जो समिति के सदस्य उन्होंने एक राय इस बात के लिए रखी कि छोटे और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं उनको, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए, उनकी किस तरह से, क्योंकि अगर एक बार बीटी फसलों को पूरी तरह से अनुमति मिल गई तो ये देखना ज़रूरी है कि वो क्या किसान के लिए फ़ायदेमंद बात होगी, या किसान कहीं ना कहीं उस पर उनकी निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसके बाद वो वापस उन्हें अपने परंपरागत जो खेती के जो तौर तरीके उन पर लौटना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिन पर कि समिति ने गहन चर्चा की और शोध की, और उसके बाद कम से कम किसानों के नज़रिए से उनके हितों को सबसे ऊपर रखे जाने की ज़रूरत पर बल दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं संसदीय स्थायी समिति के सदस्य विनय कटियार के साथ एक खास बातचीत। कटियार साहब, बीटी फसलों के मामले पर विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर वो कौन सी आपत्तियाँ हैं जो आपको नज़र आई? हम लोगों की जो मूल आपत्ति है वो है दो कारणों से। किसान को आप लालच ये दे रहे हैं कि इससे फसल अच्छी हो रही, लेकिन वीटी काटन के कारण से ही आज इस देश का किसान कई जगह आत्महत्या कर रहा है, उसमें आंध्र और महाराष्ट्र ये सबसे आगे है, क्योंकि उसका माल फिर नहीं बिकता है, वो परेशानी उसके सामने आकर के खड़ी हो रही है। और जो उससे भी बड़ी घातक चीज़ हो रही कि हमारे देश का बीज वो धीरे धीरे समाप्त करने की योजना चल रही है। आज हमारे देश के अगर मूल बीज खत्म हो जाएंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हम अपने देश पर आत्मनिर्भर नहीं रह जाएंगे। मेरा ये कहना है, कमेटी का ये कहना है कि भाई आप अपने यहाँ ऐसे बीजों का डेवलप करिए जो हमारी देसी हों, यहाँ की जलवायु के अनुसार हों, साइड इफ़ेक्ट ना हों, इसीलिए ये सब वर्ण संकर है। बीटी फसलों को बढ़ावा देने से छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं इनके सामने किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं? अभी मक्का को बोया गया, जो गर्मी की मक्का आती है, अब उसका क्या है, दुकान से बीज मिलता है 5,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब बाढ़ आ गई, मक्का तैयार हुई नहीं, उसका पेड़ ही नहीं निकला, बीज सड़ गया, तो 5,000 रुपया किलो जो बीजा था अब वो किसान तो मर गया, क्योंकि उसको तो एक बीघे के अंदर चार किलो बीजा बोना है तो 20,000 रुपया तो उसके चले गए। तो गरीब जो किसान है तो और गरीब हो गया। अगर हमारे देश का बीजा होता तो उसके घर में बीजा रखता है,
आज भी गेहूं के लोग जो बोते हैं या बाकी हमारी देसी मक्का रहती है सब घर में रहती है। अगर एक चला गया तो दूसरे पड़ोस से मांग लेते, भैया आपको इतना हम अनाज फिर दे देंगे। बीटी फसलों से स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं जो कि कमेटी की इस रिपोर्ट में सामने आई है? नया बीटी बैंगन है, नया रोग पैदा कर रही है शरीर के अंदर। धीरे 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 जैसे होम्योपैथ दवा धीरे धीरे ठीक करती है, तो वैसे ही ये होम्योपैथ की दवा की तरह है काम कर रही है कि धीरे 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 ये व्यक्ति को पूरी तरह से बीमार बना दे रही है, कमज़ोर कर दे रही है। तो ऐसे फसल हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए इस देश का व्यक्ति हमारा किसान खुशहाल भी हो और शारीरिक दृष्टि के दृष्टि से वो स्वस्थ हो, देश भी स्वस्थ रहे। हमको वो काम करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ वैज्ञानिक इतने प्रतिभावान हैं कि अगर इनको सुविधाएं दी जाएं तो ये बीटी काटन और बीटी बैंगन है इससे भी अच्छा बीज तैयार कर सकते हैं, और वो बीज तैयार कर सकते हैं जो फिर दोबारा खेत के अंदर हम बो सकते हैं। जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष वासुदेव आचार्य की विशेष प्रतिक्रिया। हमारा जरूरत नहीं है हमारे देश में, हमने दिखा है कैसे हमारा प्रोडक्शन भी बड़ा है। हम 53 मिलियन टन जब आज़ाद हुए हम 53 मिलियन टन हम उत्पादन करते थे, आज वो बढ़कर 252 मिलियन टन हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमने किया है। हमने हमारा जो हमारा खाद्यान्न का अभाव नहीं है हमारे देश में, सड़ रहा है गेहूँ, सड़ रहा है चावल, सड़ रहा है हमारे देश में। जनतंत्र आपके द्वार में आज इतना ही, हम फिर लौटेंगे संसदीय स्थायी समिति के एक नए रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।